सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल पिंड भुलाराई विखे सालाना इनाम वंड समारोह करवाया गया। इस मौके आम आदमी पार्टी एससी विंग के जिला प्रधान संतोष कुमार गोगी और डॉक्टर जतिंदर सिंह परहार ते पिंड दे सरपंच मास्टर हरभजन सिंह भुलाराई विशेष तौर पर पहुँचे और बच्चों नूं आशीर्वाद ते इनाम वंडे। अखीर विच स्कूल दे प्रिंसीपल सुरेश गुप्ता ने आए हुए मुख मेहमाना का धन्यवाद किया। असी अज अपने स्कूल सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भुलाराई विखे एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सैलीब्रेट कर रहे हैं। मैं सुरेश गुप्ता प्रिंसीपल वजों इस स्कूल विखे पिछले 4 सालों तक काम कर रहा हाँ। अज इस फंक्शन में मुख मेहमान वजों पिंड के सरपंच सरदार मास्टर हरभजन सिंह जी भुलाराई हाजिर हुए हैं और उन्होंने साढ़े बच्चों को आशीर्वाद दिता है, प्राइज दिते हैं। मैं उन्होंने दिलों धन्यवाद। अज के इस एनुअल फंक्शन के उपर तुसी देखो किस तरह एक बहुत वधिया माहौल एक परिवारिक माहौल बना के एक सुनेहा दिता कि किस तरह साढ़े पुरातन समय के साढ़े पिछोकड़ साढ़े बजुर्ग साढ़िया मातावां किस तरह एक प्यार की सांझ पा के अपने घरां नूं रुशनाउंदियां सी, अपने एक सांझ जिहड़ी है पक्की करदे सी। अज भावें असीं तरक्की कर चुके हां पर साढ़े रिश्ते नाते जिहड़े आ कितें ना कितें टुटदे जा रहे आ, पर जिहड़ा तुसीं अज इह साबित कीता कि किस तरह साडा पंजाब दा जिहड़ा लोक नाच आ गिद्धा वा और पंजाब दीआं बेटियां दे लई एक चंगे कल्चर की जिहड़ी पहचान करन दी जिहड़ी आदत तुसीं पालती है, इहदे बहुत बहुत धन्नवाद आ। क्योंकि अक्सर ही सरकारी स्कूलों में लोग भंडते आए हैं पर असीं सरकारी स्कूलों चों निकले हुए लोग हाँ। मैं किसी प्राइवेट स्कूल च नहीं पढ़िया और इन्नी वधिया पढ़ाई होंगी, इन्ने वधिया टीचर साहबान होंगे आ, इन्नी वधिया शिक्षा होंगी आ। वो भी समा सी जदों असीं डंडे सोटियां खा के पढ़ते सी तां पर असीं भुलदे नहीं सी, सत्कार बहुत बरकरार सी क्योंकि जिहड़ा एक गुरु हुंदा वा वो रब रूप हुंदा वा। और तुसीं लोग तुसीं साडे बच्चे जिहड़े आ माँ बाप की जी ड्यूटी बाद च बनती है, जो साडे बच्चे IPS ऑफिसर बनते हैं वड्डियां वड्डियां नौकरियां प्राप्त करते हैं। अज मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा ये जिहड़ियां साडियां बच्चियां इत्थे मतलब गिद्धा पा के गईआं जां साडे जिहड़े बच्चे बैठे आ इन्हां विच अफसर बन रहे आ उहदी सब तों वड्डी देन इस स्कूल की होवेगी, सारी मैनेजमेंट की होवेगी, प्रिंसीपल साहब की होवेगी और स्कूल के सरपंच साहब और पूरी पंचायत की होवेगी। क्योंकि इन्हों अणदेखिया किया जाता पर हम समा आ गया, असं चाहते हाँ कि साडे बच्चे जिहड़े निखर के वो सामने आन, इस मैनेजमेंट का साथ दीए, इन लोगों का साथ दीए जिन्होंने अपने अंदर एक लगन पैदा की है, एक अग पैदा की है कि साडे बच्चे जिहड़े है वह बहुत वड्डियां तरक्कियां प्राप्त कर। इस करके बेनती है कि सरकारी स्कूलों का जिहड़ा मियार आ हुण होर वधिया मौका मिलिया वा कि साडी सरकार ने कहा वा कि जदों भी हुण साडे बच्चों की लोड़ पवेगी बाहरलियां कंट्रियां विच जाके पढ़ाई करन दी तां इन्हां नूं चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं हैगी। इन्हां दा जिहड़ा पढ़ाई का खर्चा आने वाले समय के सरकारां नूं कीता जाएगा, किसी ने डॉक्टर बनना, किसी ने वकील बनना, किसी ने इंजीनियर बनना, असीं तुहाडे नाल आ। साडी जिथे भी लोड़ होगी असीं मैनेजमेंट नूं सरपंच साहब नूं बेनती करदे हां कि तुहाडे लई हर वेले खड़े हां, पार्टियां अलग होणगियां, असीं तुहाडे ही बच्चों वर्गे हैगे हां, तुहाडे भाई भरावां और साडा फर्ज बनता कि सारा पंजाब साडा वा, सारे ही लोग साडे आ, कोई किसी पार्टी के भी होवे सारे साडे भाई भरा वा, साडे बच्चे आ। और इस करके सब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा।